दोस्तों आज की यंग जनरेशन कुछ ना कुछ चैलेंजिंग करना चाहती है, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे उसका नाम हो, शोहरत हो, पावर भी हासिल हो। जैसे कि बहुत सारे अब आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं। जी हाँ, आज मैं ऐसे लोगों की बात करना चाहता हूँ जो टॉप 1% में शामिल होना चाहते हैं। आज सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो है जो सीखते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, अपने फेलियर से। आप ये बात भी बहुत आसानी से समझ सकते हो क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ 1% लोग ही पूरा देखेंगे और अपने नेक्स्ट 6 महीने के अंदर खुद में बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे और बाकी के या तो अब तक वीडियो छोड़ चुके होंगे या बीच में छोड़कर चले जाएंगे। आज हम बात करेंगे 11 ऐसी बातों के बारे में जिससे आपके सोचने का तरीका और जिंदगी को समझने का नजरिया बिल्कुल टॉप 1% जैसा हो जाएगा। नंबर 1, तैयार होने से पहले करना शुरू करो। दो तरह की मानसिकता वाले लोग होते हैं, पहले वो जो सोचते ज्यादा है और करते कुछ नहीं, और दूसरे वो जो करते बहुत है और सोचते कुछ नहीं। दोनों ही खतरनाक हैं और दोनों ही सक्सेसफुल नहीं हो पाते। एमी पॉयलर ने एक बार कहा था, ग्रेट पीपल डू थिंग्स बिफोर दे आर रेडी। अगर आप सोचते हो कि सही वक्त आए, सही समय आए तो मैं शुरू करूं, मेरी तैयारी पूरी हो जाए तो मैं शुरू करूं, तो मेरे दोस्त ना तो ऐसा कभी हुआ है और ना कभी ऐसा होने वाला है। तो जितना आपको पता है उस सबको मिला जुला कर अपनी शुरुआत कर डालो। इसी के साथ दूसरा पॉइंट आता है, कभी मत कहो कि शुरुआत कहां से करूं। अगर आप अभी तक ये सोचते हैं कि पहला कदम कहां से उठाऊं, क्या करना है, तो दोस्त ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि पहला कदम क्या होता है ये पहला कदम उठाने के बाद ही पता चलता है। और एग्जैक्टली किसी को नहीं पता होता कि पहला कदम मुझे कब और कहां से उठाना है। जस्ट स्टार्ट विद एक्शंस। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप जो भी करोगे वो एग्जैक्ट राइट होगा, लेकिन एटलीस्ट अगर गलत भी हुआ तो आपको समझ में आएगा कि क्या नहीं करना है, तो एक्शन लेना शुरू करो। नंबर 3 है, कॉन्फिडेंस शुरुआत से नहीं, धीरे धीरे बढ़ता है। अगर हम कुछ लोगों को छोड़ दें तो ज्यादातर लोगों का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ही बढ़ा है। जैसे एक आईएएस के एग्जाम में इंटरव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, या किसी एंटरप्रेन्योर को किसी डील को क्रैक करने के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। ये सब आता है जब आपको नॉलेज होती है, जब आप किसी चीज को लगातार प्रैक्टिस करते हैं, तब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है। मेन पेपर देने से पहले अगर आप पहले कुछ टेस्ट खुद से दे चुके होते हैं तो मेन पेपर के समय आपको डर नहीं लगता। इसी तरह से आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। नंबर 4, कोई एडवाइस दे तो उसका मजाक मत उड़ाओ। ज्यादातर तो ऐसा होता है कि जब हम किसी को कुछ बताते हैं कि हम कुछ नई चीज की तैयारी कर रहे हैं, मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है, या मैं कुछ ऐसा नया करना चाहता हूँ, तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, तो ऐसे लोगों से तो हमें दूर रहना है। लेकिन अगर कोई आपके आइडिया के लिए एडवाइस दे कि इसको अगर इस तरह से करो तो बेटर हो सकता है, तो उसकी बात को सीरियसली लीजिए, उसका मजाक मत बनाओ और शुक्र करो कि तुम्हें ऐसे लोग मिले जो तुम्हें आगे इम्प्रूव करने के लिए एडवाइस कर रहे हैं, ना कि तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। नंबर 5, वर्क वर्सेस पैशन। दोस्तों आपकी जिंदगी का पहला कदम, पहली चॉइस, पहला डिसीजन आपकी जिंदगी में काफी चीजों का बेस बनाने के लिए जरूरी होता है। जैसे कि आपकी पहली जॉब आपके भविष्य के करियर ऑप्शंस के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करती है। दोस्तों क्या आप चाहते हैं आपको जो जॉब मिले वो आपकी पसंद के अनुसार हो, टॉप कंपनीज में हो, आपकी स्किल्स और इंटरेस्ट के हिसाब से आपके भविष्य का निर्माण हो, या फिर कहीं भी जहां आपको काम पसंद ना हो, ना वो काम आपका फ्यूचर बनाता हो, उधर आपकी जॉब लग जाए? अगर आपका जवाब है कि आपके हिसाब से आपकी जॉब हो, तो मैं आपको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म सजेस्ट करूंगा, रीलेवल बाय अनअकैडमी, जहां पर आपको इंडिया की टॉप कंपनी जैसे क्रेड, अपग्रेड, मीशो, ग्रो, इन सब में अपनी स्किल्स के हिसाब से जॉब हासिल करने का मौका मिलता है, जिसके लिए आपको सिर्फ एक टेस्ट देना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इस टेस्ट में 70% से ज्यादा नंबर लाते हैं तो आपकी एक बेस्ट प्रोफाइल बनाकर इन कंपनीज को भेजी जाएगी, जहां आपका डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जाएगा। इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको उन सैकड़ों एक्सपीरियंस रेज्यूमे कॉम्पिटिटर्स से कॉम्पिटिशन नहीं करना होगा, जो की कंपनियां अक्सर पहले से ही सेलेक्ट कर लेती है, क्योंकि ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल्स बेस्ड होता है और इंटरव्यू राउंड तक आपको कोई भी रिजेक्शन नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं उन लोगों को देखना जिन्होंने सच में रीलेवल के साथ अपनी जिंदगी को बदला है, तो आप उन सब की प्रोफाइल को इनके ट्विटर हैंडल रीलेवल अचीवर पर खुद देख सकते हैं। तो दोस्तों अपने टाइम और दिन के अनुसार इस टेस्ट को देने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आज और अभी रजिस्टर करें, ताकि आप आगे आने वाले 2 से 5 साल आपकी जिंदगी को एक सही दिशा दे सकें। नंबर 6, डिसिप्लिन। अगर आपको सच में कुछ करना है तो आपको अपने टाइम मैनेजमेंट को डिसिप्लिन करना होगा। आईएएस बनने के लिए या एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस खुद को डिसिप्लिन बनाना है अबाउट योर टाइम, अबाउट योर स्टडीज। डिसिप्लिन का मतलब अब ये नहीं कि खुद को कैद करना, बल्कि अपनी सक्सेस के हिसाब से खुद को प्लान करना होता है, इसलिए बेहतर है आज से ही डिसिप्लिन लाइफस्टाइल फॉलो करो। नंबर 7,
डन इज बेटर देन परफेक्ट। दोस्तों फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने इस बात का एक पोस्टर अपने फेसबुक के हेडक्वार्टर में लगवा रखा है कि डन इज बेटर देन परफेक्ट। सी परफेक्ट जैसा कुछ भी नहीं होता, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। दूसरी बात ये, अगर आप सोचोगे कि सब कुछ परफेक्ट हो तो तब मैं शुरू करूं, तो ना तो आपको कभी परफेक्शन मिलेगी, ना आप अपना कभी पहला प्रोडक्ट लॉन्च कर पाएंगे, ना आप अपना कभी पहला ब्लॉग पब्लिश कर पाएंगे, ना आप अपनी पहली कभी बुक पढ़ पाओगे। जितना पता है उसी के हिसाब से अपने प्लान बनाकर शुरुआत कर दो और धीरे धीरे आपको आगे कभी क्लियर होता जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। नंबर 8, क्रिटिसिज्म से डरो मत। एक बात याद रखो कि कुछ भी नया करना चाहोगे तो आलोचना तो होगी, आपको भला बुरा भी जरूर कहा जाएगा कि तू नहीं कर सकता, ऐसा तो होता ही नहीं। आज से 3 साल पहले जब मैंने नया YouTube चैनल स्टार्ट किया था, तब मेरे खुद के दोस्त कहते थे ये नहीं चलेगा या ये तो चलता ही नहीं है, लेकिन मैं उस सब क्रिटिसिज्म के लिए तैयार था क्योंकि उनमें से किसी ने आज तक YouTube पर अपना चैनल बनाने तक का सोचा नहीं, और जो मैंने सोचा था उसको सक्सेसफुल बनाना मैंने अपने हाथ में रखा था। दोस्तों आपके पास हमेशा 2 चॉइस होंगी, या तो आप अपने आइडिया पर काम करो, उसको शेयर करो और क्रिटिसिज्म का सामना करो, या फिर कोई काम मत करो, कुछ नया ट्राई मत करो और क्रिटिसिज्म से बच जाओ। तो क्या आप करना चाहते हो वो कमेंट में मुझे बताना। नंबर 9 है, कॉपी करना कोई पाप नहीं। अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हो, किसी की कॉपी करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। एक हद तक आपको कॉपी करना भी चाहिए जिससे आपका समय बचता है और दूसरे के एक्सपीरियंस को आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक पॉइंट के बाद आपको रुकना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा चलना, बैठना या बोलना आसपास से ही सीखता है, वो कॉपी करता है। उसी तरह से अगर आप अपने फील्ड में नए हैं तो आप अपने एक सीनियर को कॉपी कर सकते हैं, फंडामेंटल बेसिक्स वो सब कॉपी कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद आपको कुछ नया करना होगा, अपना स्टाइल लाना होगा, खुद की नई स्ट्रेटेजी बनानी होगी। इसी के बाद आता है नंबर 10 पॉइंट, सुनना सीखो। जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं उनको सबसे अच्छे से पता है कि कब अपने आइडियाज को शेयर करना है, कहाँ करना है और कितना करना है, और साथ ही उनको ये भी अच्छे से पता है कि कहाँ पर चुप होना है और सुनना है, क्योंकि सुनने के बाद ही हम दूसरे से सीख सकते हैं। अगर हम सिर्फ बोलते रहेंगे तो शायद बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स को हम मिस कर देते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो कि बी अ गुड लिसनर। नंबर 11 और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अपनी संगत में अपने से बेहतर लोगों को रखो। ये मैं कई बार कह भी चुका हूँ और प्रैक्टिकल करके देख भी चुका हूँ कि जिस तरह के लोगों के साथ आप रहते हैं आप उन्हीं के रिफ्लेक्शन बन जाते हैं, मतलब उनकी कुछ ना कुछ आदतें, कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ सोच आपके अंदर जरूर दिखाई देने लगती है। अगर आप अपने आसपास नेगेटिव, टॉक्सिक, डिमोटिवेट लोगों को रखोगे, भले ही वो आपके फैमिली मेंबर क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं आप भी उनके जैसे बन जाओगे, अपने गोल को कभी अचीव नहीं कर पाओगे। ऐसे दोस्त, ऐसे मेंबर के साथ रहो जो आपको पल पल गाइड करे, मोटिवेट करे, इंस्पायर करे आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों ये थे 11 बेस्ट लेसन आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। कौन सी बेहतर बात लगी नीचे कमेंट में मुझे बताएं, मुझे भी पता लगे कि वीडियो आखिरी तक कौन देखता है। अपनी लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से रीलेवल टेस्ट को जरूर देना। अच्छा लगा हो तो लाइक करके वीडियो को शेयर करें, और याद रखना, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडी मेनिया।